जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंचल जयनगर के द्वारा सात सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना कार्यक्रम आयोजित मधुबनी जिला के जयनगर प्रखंड सह अंचल कार्यालय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंचल जयनगर के द्वारा एक दिवसीय धरना कार्यक्रम आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता सत्यनारायण यादव एवं मंच संचालन अंचल मंत्री रामनारायण बनरेत ने किया। वक्ताओं ने कहा कि सात सूत्री मांगों को लेकर प्रखंड कार्यालय में धरना दिया गया है। हमारी मुख्य मांग है कि वासभूमि विहीन गरीब को 5 डिसमिल जमीन अविलंब मुहैया कराया जाए, दाखिल खारिज में व्याप्त भ्रष्टाचार खत्म कर तथा सभी पंचायतों में कैंप लगाकर दाखिल खारिज कराया जाए, डीजल पेट्रोल रसोई गैस में अप्रत्याशित वृद्धि तथा महंगाई पर रोक लगाया जाए, शिक्षा स्वास्थ्य में व्याप्त अनियमितता एवं बढ़ती बेरोजगारी पर रोक लगाया जाए, जयनगर अनुमंडल में बढ़ती आपराधिक घटना पर अविलंब रोक लगाया जाए, वर्षों से घर बनाकर रह रहे गरीबों को बासमत पर्चा अविलंब निर्गत कराया जाए, खाद बीज के कालाबाजारी पर रोक लगाया जाए। इस मौके पर भाकपा मधुबनी के जिला मंत्री मिथिलेश झा, राज्य परिषद सदस्य कृपानंद आजाद, अखिल भारतीय किसान सभा के जिला मंत्री लक्ष्मण चौधरी, अंचल मंत्री सत्यनारायण यादव, भाकपा जयनगर के अंचल मंत्री रामनारायण बनरेत, रामाधार ठाकुर, दिनेश प्रसाद रमन, द्वारिका प्रसाद यादव, पवन पासवान, सुंदर मुखिया, नवलकांत झा, कपिलदेव सिंह, वकील बैठा सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। और इंदिरा आवास जिन लोग के दिल मिले उनके बावजूद तो बहुत लोग पकाया रहे। नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में सत्ता में आये और वो कहल की एक उठा के हम बिजली नहीं रह देवे। आयु तक प्रधानमंत्री आवास लोग के पूर्ण रूप से नहीं देते हैं, जबकि सबूत के रूप में यहाँ से बैठे हम उपस्थित छी। विभिन्न गांव में, टोल में, मोहल्ला में, शहर में, नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, आयु प्रधानमंत्री आवास सौ के नहीं भेज कर लिया, आयु शौचालय सौ के नहीं भेज कर लिया, आयु जे रोजगार के सवाल चाहे के लगे हमारे प्रधानमंत्री का दिन जे हम प्रत्येक वस्तु करोड़ रूप के रोजगार देवे। 2014 में पूरा देश जहाँ प्रधानमंत्री के रूप में उम्मीदवार के रूप में नागपुर गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, पूरा देश घूम घूम के कहल के जे हमार अगर सरकार बनल तो प्रत्येक वस्तु करोड़ लोग के हम रोजगार देवे। योजना आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस में जो नाम दर्ज छह तारीख के मुताबिक अखन 16.5 करोड़ लोग स्नातकोत्तर पास के ने, स्नातक पास के ने, इंटर पास के ने, मैट्रिक पास के ने, 16.5 करोड़ लोग देश में सरकारी आंकड़ा के मुताबिक आज बेरोजगार छे। और जे योजनालय में नाम नहीं दर्ज के ने छे एहन लोग जे मैट्रिक से नीचा के लोग छे एहन लोग, और जहिना भोजन वस्त्र आवास दवाई पच पढ़ल लिखल के चाहिए, जहिना जे नहीं पढ़ल लिखल तो ओकरो स्त्री के बच्चा के दवाई दारू पढ़ाई लिखाई भरण पोषण चाहिए। या रोजगार सिर्फ पढ़ले लिखल के नहीं होबक चाहिए, बिन पढ़ो लिखल के होबक चाहिए। अगर शिक्षित बेरोजगार अशिक्षित बेरोजगार दोनों के मिला देवे लगभग 1.40 करोड़ के आबादी अपन भारत वर्ष के चार्जावर्त के छे, जैमे 40 करोड़ लोग बेरोजगार आज देश के अंदर में छे। 40 करोड़ लोग अगर बेरोजगार छे तो एक आदमी पर 5 आदमी के एवरेज भरण पोषण के भार छे, ओकरा स्त्री छे, बच्चा छे, दूटा कम से कम 4 आदमी 5 आदमी के परिवार छे, एक यूनिट के बैंक मैन के चलो। आई हमर देश G20 कर का प्रधानमंत्री जी अपने हाथ अपने पीठी छोड़ रहा चल पा रहे हम G20 करवा लेना भारत वर्ष में हम बड़का भारी तकमा लो लेना। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।